हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आज मैं कुछ बेसिक से, ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बेसिक से न्यूमेरिकल्स कराए थे, इस बार थोड़ा लेवल और अप होगा और प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं या आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस PYQs में, मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, एक वायर है, एक मिनट रुकना बेटा। अरे यार, ये इंक भी ना हर बार ड्रामा करती है। एक मिनट रुको, ठीक है, लिखो। ए वायर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, इसमें क्या किया जा रहा है, वायर की जो लेंथ है उसको हाफ किया जा रहा है, ठीक है। लेंथ डबल की जा रही है, हाफ की जा रही है, हाँ लेंथ हाफ की जा रही है और एरिया क्या किया जा रहा है, वायर का डबल किया जा रहा है। तो हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। कर लोगे ना, चुन्नू सा एकदम क्वेश्चन है प्यारा सा, ये एक नंबर या दो नंबर में कभी कभी आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो आप करेंगे, उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। आपका फॉर्मूला पता है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल वाई ए, ठीक है, यही तो होता है। अब तुम्हें पता है कि वॉल्यूम बेटा किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ के, यही तो होता है। अब देखो यहां पर एरिया क्या, सॉरी लेंथ को हाफ किया जा रहा है, पहले एरिया डबल कर दें, 2a इंटू एल वाई टू, यही तो है। अगर न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो r डैश कितना हो जाएगा बच्चों, r डैश कितना हो जाएगा, पुट करो इसको, करो करो, हम ही करके दिखाएं, नालायकों करो, बाद में करेंगे, जल्दी से करो, मैं तब तक थोड़ा हाथ साफ कर लूं। तुम चे किया, ये चुन्नू सा सवाल नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं क्या करोगे, बड़ी बड़ी बातें मारते रहते हो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे है, और तुमसे एक सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, और भाई से बनोगे बाहुबली है, तुम कुसुम कली हो, बाहुबली नहीं हो, ठीक है, या भीगी बिल्ली हो, भीगी बिल्ली, बाहुबली नहीं हो। अब आर्टिस के लिए क्या होगा, देखो बेटा रखो यहाँ पे रो इंटू एल, एल कितना है बाई टू, आधा किया है, तो ये तो अंदर नीचे, सॉरी अंदर बता रहे, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखो आर्टिस किसके बराबर होगा, रो एल बाई टू, एरिया कितना है डबल, यही तो होगा फॉर्मूला, ये डिनोमीटर में चला आएगा, तो आर डैश कितना आया बच्चा, बन अपॉन फोर, कॉमन ले लो, और रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए होता क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का, कितना है 4 ओम का, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 1/4 इंटू, यहां पर आर रखोगे कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया आर डैश बराबर आया 1 ओम। भैया किसका किसका आया 1 ओम, न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओम, छाप लो फटाक से अगर ना आया हो तो। छापो, समझ में आया, अगर यहां पर 8 ओम होता तो कितना आता, तो आता 2 ओम, दो क्वेश्चन बन गए, फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और है, ऐसे ही करना, पहला वाला हो गया, कितना टाइम लगाते हो यार तुम लोग, हैं बहुत स्लो हो, एक क्वेश्चन एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा,
जितना टाइम तुम लोग लगा देते हो यहाँ पर, इतना टाइम तुम टाइप करने में नहीं लगाते हो, है ना? सही बात है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, ऐसे ही है, ये क्वेश्चन तुम करके दिखाना, ठीक है? अ वायर ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस, लेंथ डबल कर रहे हैं, ठीक है, और एरिया हाफ कर रहे हैं। कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस। देखो मैंने बार बार कहा है, फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पेन का चलना बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ में आया? और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वही सेम चीज, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला याद नहीं होता है तो लिखो बार बार, ठीक है? सेम चीज क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रखा है, R कितना दे रखा है 6 ओम, ठीक है। लेंथ क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है तो 2L, और एरिया हाफ किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा ay2। पुट करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्पीड से करो, R डैश बराबर आएगा रो एल अपॉन ए, रो की जगह रो रहने दो, ठीक है, और लेंथ कितना है 2 टाइम्स, एरिया कितना है हाफ, तो हाफ हो जाएगा ay2, ये ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा 4 into रो एल अपॉन ए, यही तो होगा, सही बात है, ये ऊपर चला जाएगा ना 2, ठीक है, ये आ गया R डैश सॉरी। अब यहाँ पे क्या करो, सेम चीज़ रो एल अपॉन ए की जगह वैल्यू रख दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती ना, फॉर्मूला तो यही है, तो R डैश बराबर आएगा 4 into 6, तो R डैश कितना आ गया 24 ओम। छापो फटाक से, था प्यारा सा क्वेश्चन, ये एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में आते हैं, तब आंखें टांग लेना अपनी, जल्दी करो, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। पेश है आपके सामने एक अगला क्वेश्चन जो आपके होश उड़ा देगा, है ना? अभी तो कुछ नहीं, अभी थोड़ा धीमी धीमी चल रहे हैं, थोड़ा और वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, कौन सा है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? चलो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, तब तक तुम 2 मिनट रुको, मैं वीडियो पॉज करके नोट करूंगा, 1 मिनट रुको। बच्चों पेश है आपके सामने एक और तड़कता धड़कता सा क्वेश्चन, इसको फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज करो और इसको करना स्टार्ट करो, तब तक मेरी नजर आप पर है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया ना, समझ लो, क्वेश्चन को समझो, बेसिक से करा रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ बच्चे बहुत होशियार बन रहे होंगे, हैं इतने चुन्नू से क्वेश्चन, यूं कर दूंगा, करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ। नालायको, सबसे पहले गिवन लिखो क्या दे रखा है तुम्हें भैया, 3 ओम 3 रजिस्टर दे रखा है, पैरेलल, अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स टेक्स 7.5 एम्पियर करेंट दे रखा है बच्चा, आई दे रखा है 7.5 एम्पियर, वोल्टेज कितना दे रखा है 30 वोल्ट, ठीक है, आर वन कितना दे रखा है 10 ओम, कॉमा आर टू कितना दे रखा है 12 ओम, और बेटा आर थ्री कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, आर थ्री हमका कैलकुलेट करना है। पहला फॉर्मूला प्यार से जो हमने पढ़ा था, जो हमको बकलोल बना गया, बी इक्वल टू आई आर, अब हमको पता है पैरेलल में का सेम रहता है भैया, वोल्टेज पैरेलल में का सेम रहता है वोल्टेज, तो आई बराबर क्या मिलेगा हमका बी वाई आर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बबुआ का है, ये होता है 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 up to so on, 1/Rn, जब तक रसमलाई खत्म नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको एक समस्या नजर आ रही है, समस्या क्या है, यहाँ पर R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 निकालना है, और R इक्विवेलेंस का कुछ अता पता नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा B/I, तो R इक्विवेलेंस निकालने के लिए, क्योंकि ये टोटल करंट है बच्चा, ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस भी तो हमको चाहिए,
तभी तो हमका आर थ्री मिलेगा। तो क्या करना है देखो, ये हो जाएगा वी कितना दे रखा 30 और आर कितना दे रखा 7.5। पॉइंट हटाओ, जीरो ऊपर बढ़ा, कितना आएगा 4 बराबर आएगा 4 ओम क्या? ठीक है 4 ओम आए तो यहां पर पुट कर दो, 1 अपॉन आर की जगह कितना रखना है हमको, वन बाई फोर, और ये होगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/R3, यही तो होगा। अरे बोलो ना, इतना ही तो होगा। अब यहाँ पर पुट कर दो, सॉल्व करो। 1/R3 निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर ले आओ माइनस करो, 1/4 माइनस का 1/10 माइनस का 1/12, सॉल्व करना 1/R3, ये निकलेगा 10, ये 60 निकलेगा, यहाँ से आएगा 15, 4 जा 60, 60 और यही तो आएगा कुछ, सॉल्व कर लो 1/R3 कितना आएगा, ये आएगा 6, 5, 11 4/60 काट दो, 1/R3 कितना आएगा 1/15, तो R3 कितना आ गया बच्चा 15 ओम, निकल आया आंसर। छाप लो फटाफट, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। इसमें क्या करना था देखो, सिर्फ हमको 2 रजिस्टर्स दे रखे थे और R इक्विवेलेंस नहीं दे रखा था, मतलब टोटल रजिस्टेंस नहीं दे रखा था, और थर्ड रजिस्टर भी हमको फाइंड आउट करना था। तो हमने पहले फॉर्मूला लगाया ओम्स लॉ वाला, बी इक्वल टू IR, जिससे हमको टोटल रजिस्टेंस मिला। उसके बाद हमने टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी, उसके बाद R1 की वैल्यू रखी, R2 की वैल्यू रखी, और R3 हमको निकालना था। R3 हमने कितना निकाला, 15 ओम। अब यहाँ से इसको नोट कर लो, ठीक है। बच्चों ये और एक प्यारा सा क्वेश्चन रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को नोट करो, करने की कोशिश करो, और मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना चाहिए, ठीक है। बिना चीटिंग के आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो ये एक हेक्सागन है, ठीक है, और सभी का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, बनोम 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 बनोम, ठीक है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना है बनोम में, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द कॉम्बिनेशन इफ द करेंट इंटर्स थ्रू ए एंड लीव्स एट डी, ठीक है। यहाँ से करंट इंटर कर रहा है और डी पे एंड कर रहा है। अब देखो तुम्हें ये पता है कि करंट डिवाइड जहाँ होता है वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, करंट सेम रहता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, यही तो होता है। अब देखो करंट यहाँ से आया, चिक 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 आई आया, इसे एक रास्ता इधर मिला, ठीक है, एक रास्ता इधर मिला। अब करंट यहाँ से डिवाइड हुआ ऐसे, एक ऊपर आई बन गया और यहाँ से, लेकिन यहाँ से करंट गया सेम, यहाँ से करंट गया सेम, यहाँ से करंट गया सेम, यहाँ से करंट, देखो ए पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऊपर करंट अलग गया, नीचे करंट अलग गया, करंट डिवाइड हुआ। लेकिन ए बी सी डी पे, ए बी सी डी पे करंट कैसा है, सेम है, तो ए पे बी पे सी पे ये तीनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में। नीचे देखो यहाँ पर करंट ए एफ ई डी, यहाँ से करंट सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, तो नीचे वाला ये सीरीज, ऊपर वाला ये वाला सीरीज, और दोनों मिला के पैरेलल, जोड़ देना आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं आया तो कल मैं इसको कराऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।